नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी मिलती है जो आयुर्वेद से संबंधित है, यानी आयुर्वेद पर आधारित जो भी आपके लिए उपचार संभव हैं वो सभी चीज़ें आपको बताई जाती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आप सभी लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। अपने आप को जागरूक करना ये हमारा काम होता है। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको तमाम ऐसे आयुर्वेद के रहस्यों का पिटारा हम आप तक लेकर आते हैं और जानकारी देते हैं, ताकि आप अपने आप को निरोगी रख सकें, किसी भी रोग को लेकर आप व्यथित ना हो, परेशान ना हो और कहीं आपको भागदौड़ करने की ज़रूरत ना हो, अपना इलाज आप स्वयं कर सकें। और इसीलिए इसी कड़ी में हम कई प्रकार के विषयों पर चर्चा करते हैं और इन सभी में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिख कर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और कार्यक्रम की इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जो रामबाण उपचार का काम करते हैं। कोई भी उपचार, छोटे से छोटा उपचार या बड़े से बड़ा उपचार, आपसे मिस ना हो जाए, छूट ना जाए और आपके जहन में उम्र भर वो बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के संक में हम बात करने जा रहे हैं आँखों को लेकर। आँखों में अक्सर दर्द उत्पन्न होने लगता है और आँखें एक तरह से, जैसे हम चलते हैं रास्ते में, गर्मी भी ज़्यादा है तो आँखों पे बड़ा एक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, चाहे वो प्रदूषण का पड़ता हो, चाहे धूल मिट्टी का, तो आँखों में दर्द होने लगता है और जिसकी वजह से बाद में वो दर्द सिर पकड़ लेता है या और भी कई दिक्कतें सामने आती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आँखों की देखभाल कैसे की जाए, आँखों में इस तरीके की जो समस्या होती है वो किस लक्षण की निशानी होती है। देखिए, गर्मी ज़्यादा, ज़्यादा सर्दी, दोनों आँखों के लिए नुकसानदायक है। अच्छा। वर्षा ऋतु के बीच की जो गर्मी है ये अमूमन गर्मी से भी तेज है, इसमें नुकसान ज़्यादा है जी। और किसी को पसीना पड़ गया और आँखों के अंदर पसीना चला गया तो इससे तीन नुक्स पड़ते हैं जी। एक तो हमेशा आपको साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। दूसरा, यदि पानी ज़्यादा चले तो आँख दुखनी आ जाएगी। और तीसरा, इसका ऐसा है कि जैसे कांकर पत्थर पड़ के आँखों में एक किस्म की जुड़जुड़ाहट होती है, ऐसे रड़क पड़ती है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर जो हम उपचार करते हैं वो टेम्परेरी उपचार पूरा नहीं है जी। अब आँखें हमारी सृष्टि है, यदि आँखें ठीक होगी तो आप अच्छे बुरे सब चीज़ों को देख सकते हैं। आँख, नाक और कान, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि यदि आपकी पूर्ण रूप से काम कर रही हैं तो आप हर एक चीज़ की पहचान भी अच्छी कर सकते हैं और आपकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज काम करती है। परंतु इन तीनों में से किसी में भी कोई अवगुण हो जाए, कोई रुकावट हो जाए, तो इसका सबसे ज़्यादा फर्क आपकी स्मरण शक्ति पे पड़ता है। आजकल जैसे गर्मी का मौसम है समाप्त हो गया, बरसात का मौसम शुरू हो गया, अब इसमें खान पान पे बहुत परहेज रखना पड़ता है। थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो किसी को लूज मोशन लग जाते हैं और किसी को भयंकर कब्ज हो जाती है। तो इस कब्ज को तोड़ने के लिए, दस्त को रोकने के लिए आजकल सबसे अच्छा जो उपचार है, परंतु यह है जिनकी पित्त क्षीर है,
कप वृत्ति वालों के लिए नहीं है, वायु विकार वालों के लिए नहीं है, ये पित्त वृत्ति वालों के लिए है कि आप 2 या 3 ग्राम कतीरा गूंद ले लें और रात को 1 गिलास पानी के अंदर उसको डाल करके उस गिलास को पानी से भर के ढक के रख दें और सुबह फ्रेश होके दांतों कूड़ा करके जब अपना योग पूरा कर लें उसके बाद उस गिलास का ढक्कन उठा के जो कतीरा गूंद आपने 2-3 ग्राम डाला था वो आपका कम से कम पानी को पी करके और फूल करके 50 से 60 ग्राम हो जाएगा। अब इसको छानने से छानने से पानी जो जिसमें भुगोए थे उसकी एक भी बूंद नहीं होनी चाहिए। अब इस कतीरे गूंद के अंदर आप गाय का दूध ना गर्म हो ज़्यादा ना ठंडा हो नवाया दूध डाल दें, कम से कम 2 गिलास यानी 400 ग्राम और इसके अंदर शहद डालें, आप इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा जितना लेना चाहें उतना डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्सी में या चमचे से फेंटें, ये उस दूध के अंदर मिल जाएगा। इसके पीने से आपको 3 लाभ हो गए जो आपको लू नहीं लगेगी और जो आपको लूज मोशन या कब्ज वो नहीं होगी, आपका पेट नॉर्मल साफ होगा। जिनके सिर में भारीपन होता था वो भारीपन नहीं रहेगा, आँखों में जो थकावट थी थकावट नहीं रहेगी और जिनको हमेशा चेहरे पे उदासी रहती थी पेट साफ होने के बाद शरीर बड़ा प्रसन्न रहेगा। अब इसमें 2 घंटे तक आपने अब कुछ नहीं खाना पीना और 2 घंटे में जाके पैर के तलुए से सिर के बाल तक नसों के अंदर कोई भी किसी किस्म का रिकॉर्ड थी ये कतीरा गूंद जाके उसको ऐसे सफाई करेगा जैसे सफाई कर्मचारी जहाँ पे ज़्यादा धूल मिट्टी है पानी का छिड़काव करके उसकी सफाई करता है और मिट्टी भी नहीं उठती और जगह भी साफ हो जाती है, ऐसे सफाई अंदर से करता है और आपका पेट साफ एक ही प्रेशर में होगा, ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझ फेंका। अब आपने आँख के लिए दवाई बना के रखनी है, प्याज का रस श्वेत का, नींबू का रस, अदरक का रस, ये सारी चीज़ें जो आप समान मात्रा में लेंगे, प्याज का रस 1 चम्मच है, नींबू का रस 1 चम्मच है, अदरक का रस 1 चम्मच है, तो इसके अंदर आप 2 चम्मच शहद मिलाएंगे, ये 5 चम्मच हो गया आपके पास। अब इसके अंदर 2 ही चम्मच आप गुलाब जल मिलाएंगे, 7 चम्मच बन गया। अब इसको अच्छी तरह घोल के फिल्टर कर लें, ड्रॉपर के अंदर डाल दें। अब हर 2-2 घंटे बाद आप 2-2 बूंद आँख में डालते जाए तो जैसे चांदी के बर्तन को तेजाब में धोके बिल्कुल चमक जाता है ऐसे इससे आपकी आँखों में चमक आएगी, आँखों में धुंधलापन नहीं आएगा, आँखों से जो पानी गिरता है पानी नहीं गिरेगा, आँखों में जो झुलझुलाहट था वो समाप्त हो जाएगा। परंतु अब खान पान पर ध्यान देना, दिन का खाना आप 10 बजे तक खा लें, आप 12 बजे का इंतजार नहीं करना और ताज़ा खाना खाना, गर्म गर्म खाना खाना।
खाना खाते समय दो गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिलाकर पीना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ। इसका तरीका है कि जो भी आपने नाज लिए 5, 7, 10 जो भी है, उस आटे को सख्त गूंद करके खुले पानी में रख दें। इतने में पत्तेदार सब्जी या हरी सब्जी जो भी आपने बनानी, दाल बनानी, उसको बना लें। जब आपकी सब्जी या दाल तैयार हो जाए तो उस आटे को पानी से निकाल के दोबारा गूंदें और वो मुलायम हो जाएगा। अब इसकी रोटी ज़्यादा पतली नहीं करनी, जैसे बाजरे की रोटी पतली होती है, ऐसे पतली रोटी बना के सेक के जब रोटी अच्छी तरह सिक जाए तो दाल सब्जी जो भी आपने बना रखी उसके अंदर डाल के इसको बिल्कुल उसके अंदर ऐसे गला देना जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े। और दो गिलास पानी 15 से 18 डिग्री, उसके अंदर 20 ग्राम लहसुन प्याज अदरक पीस के चटनी बना के कपड़े में डाल के रस निकाल लें और जो कचरा बचा वो अपनी सब्जी में मिला के खाएं। सब्जी को छौंक नहीं लगाना, रोटी चुपड़नी नहीं है। अब 2-4 ग्राय खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया, 2-4 ग्राय खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपकी आँखों में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कभी सिर दर्द नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, यहाँ तक के नज़ले तक को जड़ से समाप्त कर देती है। परंतु ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना और खाना खाने के बाद दातुन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। उसके बाद उठ करके, दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम करके आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट बाएं साइड कर उठ रहे, 3 मिनट दाएं साइड कर उठ रहे, उसके बाद उठ के आप काम करेंगे, शरीर में इतनी चुस्ती होगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। जब इस क्रिया को आप नियम रूप से करेंगे तो हफ्ते के बाद आपको स्वभाव की नींद आएगी, जो आंखों में थकावट थी, शरीर में थकावट थी, सारी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। मैं अमरीक सिंह डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब से हूँ, गांव मेरा जमाड़ा है। मैं अपने कैंसर के इलाज के लिए यहाँ आया हूँ। पहले भी बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, पटियाला में भी, सरहंद में भी, कन्ना में भी, हर एक ऑपरेशन को बोलता था ये ऑपरेशन कराओ ठीक हो जाऊँगा। फिर टीवी में देखा गुरु जी का स्वस्थ विचार में, उसके बाद यहाँ आया। अब मेरे को 50% फर्क है। मेरा नाम शबनम है, मैं घोड़ावाड़ी, छिंदवाड़ा ज़िले के घोड़ावाड़ी गांव से आई हूँ और मुझे शरीर में मतलब चेस्ट में गठान थी, तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा। फिर मैं बाबा का मुझे एड्रेस मिला तो मैं यहाँ आई, जिसमें मुझे 70% आराम है। इसी उम्मीद से मैं अगले बार और यहाँ आना चाहूँगी पूरी तरीके से ठीक होने के लिए। दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर योगेश बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ से। जी योगेश जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं, सीधा गुरुजी से आप पूछ सकते हैं, बताइए। जी जी सर, मेरे फादर को हार्ट की ब्लॉकेज है काफी टाइम से जी। और अभी प्रॉब्लम इतनी क्रिटिकल हो गई है कि उनकी टांगों पे पूरी सूजन हो चुकी है, पेट फूल चुका है, तो ना कुछ खा पा रहे हैं, सांस लेने में भी तकलीफ है। अभी तो हम आश्रम आ नहीं सकते, ऐसी हालत है हमारी। आश्रम तो आना चाहते हैं, बट आप प्लीज़ हमें कुछ उपचार बता दीजिए जिससे हम ये बाहरी सूजन जो है, जो स्वेलिंग है, इसको ख़त्म कर सके। और इनको खाने के लिए इस वक्त हम क्या दें कि अंदर से भी इन्फेक्शन ख़त्म हो? जी देखिए बेटा, अभी तो आप लहसुन प्याज अदरक की चटनी बना के उसको शहद में मिला के चाटने को देते जाएँ, हर 2 घंटे बाद 20 ग्राम लहसुन प्याज अदरक तीनों पीस के चटनी बनाएं और उसको 4 चम्मच शहद में मिला के चाटते जाएं, तो उससे हार्ट में भी फ़र्क पड़ेगा, सांस में भी फ़र्क पड़ेगा, पेट भी अच्छा साफ होगा, दर्दें भी कम होंगी। और जब आपको टाइम लगे तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा,
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि वो दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे 3:30 बजे तक रुकेंगे तो कम से कम 20-25% आराम उसी दिन मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपकी जो भी समस्या है जो आपने बताया पिताजी के लिए वो बिल्कुल दूर हो सकती है। फिलहाल घरेलू तौर पर आप जो उपचार कर सकते हैं जिससे हृदय संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो ठीक हो जाएं, और उसके लिए आपको करना है वो उपचार नियमित करें, हर 2 घंटे पर उस उपचार को करें, कुछ ही समय में एक सामान्य स्थिति बन जाएगी, लेकिन ये अस्थायी तौर पर है। इसके बाद परमानेंट उपचार के लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम उनको लेकर आ सकते हैं। आने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें 10:00 बजे से 4 बजे तक, नंबर आपकी TV स्क्रीन पर है। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, मैं इंदौर से हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम ललिता है, ललिता राठौड़ बोल रही हूँ मैं इंदौर से। जी ललिता जी, अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपके साथ? गुरुजी सर, मेरा बेटा है 7 साल का जी, उसको चेहरे पर मसे हो रहे हैं अक्सर, मतलब अभी तकरीबन 6 महीने से उसको ये प्रॉब्लम है। तो वो एक मसा अगर अपन किसी भी दवाई वगैरह से गिरा देते हैं तो फिर दूसरा कहीं और निकल आता है, तो उसको ऐसे चेहरे पर 5-6 मसे हो रहे हैं और अब हाथ पे भी एक दो नजर आ रहे हैं। देखो बेटा, इसने पेप्सी अच्छी पी है, नमकीन अच्छा खाया, जिसका इसको सजा मिल रही है। और मेडिकल में तो पूरे संसार में किसी रोग की दवाई बनी नहीं, उनका बिजनेस है, एक रोग को दबाने के लिए 36 रोग और पैदा हो जाते हैं। ये इसको पूर्ण रूप से स्वस्थ करना है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के इसको सला दें। सुबह जब तक नाड़ी पृष्ठ की या पानी की भी एक बूंद नहीं पिएगा। फिर नाड़ी पृष्ठ में जो भी इसके अंदर कमियाँ मिलेंगी दवाइयाँ दी जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जिस दिन आएंगे उस दिन इसको 10-15% आराम मिलेगा, 15 दिन में 50-60% आराम मिलेगा, 1 महीने किसी भी रोग का नामोनिशान नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हमें भेजा है पुरुषोत्तम जी ने कोटा राजस्थान से। इन्होंने अपना सवाल रखा है कि इनके पिताजी हैं, इनके गले में कैंसर बताया गया है, डिक्लेयर किया गया है, हालांकि शुरुआती दौर में श्वास नली में गांठ थी जिस वजह से इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो डॉक्टर्स ने गाल में छेद करके एक श्वास नली डाली है, हालांकि इससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा, समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, और ये सुझाव चाहते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए बेटा, मैं पूरे संसार को चैलेंज किया है कि मेडिकल साइंस में सिर्फ बिजनेस है, इसमें किसी रोग की दवाई नहीं बनी, चाहे ऑपरेशन करें जो मर्जी करें किसी रोगी को ठीक नहीं किया आज तक, और जितने दिन जिएगा उतने दिन तक दवाई की डोज बढ़ती जाएगी, और किसी भी रोग की दवाई इनके पास पूरी नहीं है। मैं तो TV के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं किसी छुपके नहीं कह रहा हूँ, और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरिस्ट का, इनके पास पूरे फार्मूले की दवाई नहीं है तो लाभ कहाँ से करेगी। यदि आप इनको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं तो जिस दिन आश्रम में लाएंगे उसी दिन इसको कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलेगा, और 1 महीने में जो छेद कर रखा वो बंद करना पड़ेगा, नाक से सांस लेगा, मुंह से खाएगा, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, जो इसको कैंसर है वो बिल्कुल टोटली समाप्त हो जाएगा। सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल हमें भेजा है रमेश जी हैं, रमेश जी ने अपना सवाल भेजा है फरीदाबाद से, और इन्होंने अपना सवाल रखा है कि कुछ समय से हाथों में बहुत दर्द रहता है, ख़ास तौर पर कंधे से लेकर कोहनी तक, और हाथ उठाने में केवल दाईं तरफ ही प्रॉब्लम है, हाथ उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, और कभी कभी सोते हुए जब रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो बताते हैं कि बिल्कुल जाम हो जाता है।
देखिए, आपने कोई एलोपैथिक दवाई ओवरडोज खाई है जिससे जो खून का दौरा उसका कम होने की वजह से नस सिकुड़ी है? अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता, इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दवाइयाँ खाते हैं, मालिश करते हैं और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर कराते हैं, तो उसी दिन आपके बाजू का दर्द कम से कम 30 से 35% कम हो जाएगा और 15 दिन में दर्द का नामोनिशान नहीं रहेगा। फिलहाल एक और दर्शक है हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए जी, अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? सांस दमा की तकलीफ है हमको, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत है, दमा की दिक्कत है। हाँ। जी, देखिए सांस के रोगी की सांस की नाड़ी में और फेफड़ों में बलगम सूख जाए तो ये रोग दिन दोगुने रातें चौगुने बढ़ता है। मेडिकल तो या तो आपको हीलर देंगे या ऑक्सीजन लगाएंगे, परंतु यहाँ पे ना हीलर देते ना ऑक्सीजन लगाते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा नियम है कि नाड़ी परीक्षण के बाद नाक में दवाई डाली जाती है और आँख में दवाई डाली जाती है, तो उसी टाइम नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाता है, परंतु होगा तभी जब आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आएंगे और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ नियम से खाते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराते हैं, तो उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है और 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग कितना भी पुराने से पुराना समाप्त हो जाता है। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देखते हैं और संस्कृति टीवी को आप टीवी पर देखते ही हैं, साथ ही साथ अब से आप मोबाइल पर भी इसको 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं MX प्लेयर ऐप के ज़रिए। MX प्लेयर ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं संस्कृति टीवी पर डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए। इसके माध्यम से आप खबरें, जो ताज़ी खबरें हैं वो तो आपको मिलेंगी ही, ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको मिलेगी, साथ ही साथ संस्कृति टीवी चैनल को भी आप 24 घंटे लाइव देख सकेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।